नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रिडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ न्यूजीलैंड वीएस बांग्लादेश के बीच में होने वाली T20 सीरीज के दूसरे मैच की प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों, ये मैच 30 मार्च 2021 को नेपुर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है: मार्टिन गुपिल, फिन एलन, डेविन कनवे, विलियंग, ग्लेन प्लिस, मार्क चैपमैन इनके बैट्समैन है, डेनियल मिशेल, ईशान सोडी इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, लोकी फर्ग्यूसन, एम एस बेनेट टीम साउथ इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफी मजबूत स्थिति में है। ये अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें इनके पिछले मैच की परफॉर्मेंस के बारे में, बैटिंग में डेविन कनवे ने 92 रन बनाए थे, विलियंग ने 53 रन की पारी खेली थी। अगर दोस्तों बात करें बॉलिंग में, फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए थे, हेमिस बेनेट ने 1 विकेट लिया था, टीम साउथ ने भी 1 विकेट लिया था। ये लास्ट मैच 64 रन से जीत कर आ रही है। दोस्तों, बात करते हैं हम इनके अपोनेंट टीम बांग्लादेश के बारे में। इनके कैप्टन मोहम्मद उल्लाह है और इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम है: लिटन दास, सौम्य सरकार, मोहम्मद मिथुन, आसिफ उन्नी, मोहम्मद सफरुद्दीन इनके बैट्समैन है, मेहदी असन, नामिन अहमद इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, सौरफुल इस्लाम, मुस्तफिकर रहमान, मोहम्मद नेम इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। अगर बात करें इनके पिछले मैच की परफॉर्मिंग के बारे में, बैटिंग में आसिफ हुसैन ने 45 रन की पारी खेली थी, मोहम्मद उसैब ने भी 34 रन की पारी खेली थी और मेहदी असन ने 1 विकेट लिया था, नासिम अहमद ने भी 2 विकेट लिए थे। दोस्तों, इन दोनों टीमों के बीच में अभी तक टोटल ओवरऑल 8 मैच खेले गए, जिनमें से न्यूजीलैंड ने 8 मैचों में जीत दर्ज किया, बांग्लादेश ने 1 भी मैच में जीत दर्ज नहीं किया। न्यूजीलैंड का 204 रन का हाइएस्ट स्कोर है बांग्लादेश के खिलाफ और बांग्लादेश का 189 रन का हाइएस्ट स्कोर है न्यूजीलैंड के खिलाफ। 79 रन का लोवेस्ट स्कोर है न्यूजीलैंड का बांग्लादेश के खिलाफ और बांग्लादेश का 70 रन का लोवेस्ट स्कोर है न्यूजीलैंड के खिलाफ। यार, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों, यह मैच मैकलेन पार्क नेपोर स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 3 मैच खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मैच में जीत दर्ज की है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैचों में जीत दर्ज की है। यहाँ का एवरेज स्कोर 185 रन का है और यहाँ का हाईएस्ट स्कोर 241 रन पर 3 विकेट का है और यहाँ का लोवेस्ट स्कोर 141 रन पर 8 विकेट का है। दोस्तों, यहाँ का स्कोर पैटर्न 150 के नीचे एक बार, 150 से 169 के बीच में एक बार भी नहीं, 170 से 189 के बीच में एक बार और 190 प्लस यहाँ पर एक बार स्कोर गया है। दोस्तों, बात करते हैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन के बारे में। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, न्यूजीलैंड का घरेलू मैदान है और न्यूजीलैंड आपको पता है बांग्लादेश के खिलाफ 1 भी मैच नहीं आ रही है T20 मैच में और ये नेपुर स्टेडियम में मैच होने वाला है। यहाँ पर स्पिनर गेंदबाजों को ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, साथ में दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी, क्योंकि यहाँ पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को न्यूजीलैंड ही जीत सकती है। दोस्तों, आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, आपको पता है क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर मैं क्रिकेट से रिलेटेड हर खबर सबसे पहले देता हूँ, साथ में दोस्तों बिग बैश लीग, IPL, PSL और सुपर स्मैश की सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। साथ में दोस्तों, मैं कभी मेरी प्रेडिक्शन चेंज करनी पड़ती है तो मैं वहाँ पर ही बताता हूँ और दोस्तों कभी कभी मैं वहाँ पर ड्रीम 11 टीम भी देता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।